देखिए अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ देखा था। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेसिकली है क्या, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाला जो टोटल करंट होता है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। या हम लोग ऐसे ही बोलते थे, टोटल इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर हम लोग यहाँ पर जो अभी डिस्कशन करना है, हमें किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ डिस्कस करना है। और किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ बेसिकली होता है लूप लॉ। वहाँ पे हम करंट का बात करते थे, यहाँ पर हम वोल्टेज का बात करेंगे। जैसे अगर हम उसका कॉन्सिक्वेंस देखें, फर्स्ट लॉ का कॉन्सिक्वेंस, कि फर्स्ट लॉ को हम लोग कहाँ से ले आते हैं, तो उसका आंसर आता कि फर्स्ट लॉ बेसिकली किस पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पे। तो फर्स्ट लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। हम जो सेकेंड लॉ अभी वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो जो सेकेंड लॉ है दैट इज द कंसिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोग इसे एनर्जी कंजर्वेशन से डिराइव करते हैं। इसका नाम होता है लूप लॉ, या हम इसे क्या नाम बोलते हैं, वोल्टेज कह सकते हैं, कि लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी कह सकते हैं। किसका, किरचॉफ्स का। ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ्स ध्यान रहे कि किरचॉफ साहब के लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी भी सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। मतलब जो भी सर्किट रूल है या किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो किसके लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो होगा, किरचॉफ्स के। और किरचॉफ्स का दो मेजर लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम करंट लॉ या जंक्शन लॉ कहते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं लूप लॉ, या इसे हम क्या नाम देंगे, वोल्टेज लॉ कहेंगे। लूप लॉ ध्यान रहे, लूप लॉ समझने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। देखिए आप सब देख सकते हैं कि हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है, जिस हम डायग्राम से आपको लूप लॉ समझाएंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बोला भी था कि किसी भी सर्किट में जो जो हम एलिमेंट्स यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड द सर्किट एलिमेंट। वो क्या क्या हो सकते हैं बताया भी था, रेजिस्टेंस हो सकता है, EMF बैटरी हो सकता है, और हमने बताया था कैपेसिटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। ये सारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। सर्किट एलिमेंट्स के बारे में जानना इसलिए जरूरी होता है कि जो सर्किट एलिमेंट्स होता है उन्हीं के अक्रॉस वोल्टेज का क्या होता है, चेंज होता है। उन्हीं के अक्रॉस वोल्टेज का चेंज होता है, इसलिए हम सर्किट एलिमेंट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। आप लोग यहां देख सकते हैं, देखिए हमने कहा कि अगर हम स्टार्ट करें कि कैसे एक्सप्लेन करना है हम लोगों को जंक्शन सॉरी लूप लॉ कैसे एक्सप्लेन करना है, तो सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। किसी भी सर्किट में सबसे पहला काम होता है, कोई भी बैटरी है वहाँ से करंट दिखाना स्टार्ट करिए। कोई भी एक जगह से स्टार्ट करिए। जैसे हमने यहाँ से करंट दिखाना स्टार्ट किया, देखिए करंट दिखा आई, ध्यान अगर आई करंट आगे बढ़ रहा है यहाँ से, तो कंपल्सरी होता है, सर्किट रूल है, कि पीछे से कितना करंट आना चाहिए, आई करंट आना चाहिए। जब आई करंट चला, और ये करंट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि जंक्शन ना आ जाए। जैसे अभी आई करंट चल रहा है, ये जंक्शन आ गया। अब जंक्शन पे करंट बटना है, तो हमने कहा कि कुछ करंट इधर चला गया, कुछ इधर। इधर का करंट अगर हमने मान लिया कि इधर का करंट अगर I1 है ये वाला, तो ये वाला करंट क्या हो जाएगा, बोलिए I-I1। अगर इधर करंट I1 आ गया, तो इधर कितना बचेगा करंट, बोलिए I-I1। यानी जंक्शन लॉ यहां पर फॉलो हो रहा है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा। अब ये I1 करंट आगे बढ़ा, I1 देखिए तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई जंक्शन आए। I1 करंट चल रहा है, I1 करंट आया, I1 करंट यहां आया, फिर देखिए अब इधर से I-I1 आ रहा था, इधर से I1 दोनों मिल गया, तो क्या हो जाएगा, बोलो आई करंट। करंट कितना हो गया, आई। फिर ये आई करंट आ रहा है, आई करंट इस तरह से पास करेगा। तो अभी जो हमने दिखाया सिर्फ आपको करंट दिखाया, करंट हम लोगों का अभी यहां पर लूप लॉ लिखना है। तो लूप लॉ बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, लूप लॉ होता क्या है, तो कहना है किरचॉफ साहब का, किसी भी कंप्लीट सर्किट में, या कह सकते हैं क्लोज सर्किट में, सारे सर्किट एलिमेंट का एल्जेब्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सम या एल्जेब्रिक वोल्टेज का सम इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन ध्यान रहे, सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज सर्किट में सारे सर्किट एलिमेंट के पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। दैट इज द किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। इसी को हम लोग किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग मूव करना स्टार्ट करें, कहीं से भी मूव कर सकते हैं, किरचॉफ्स कहना कि आप कहीं से मूव करिए वापस वहीं आ जाएंगे, तो बताइए एक कंप्लीट लूप होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि इसमें कितने कंप्लीट लूप बन सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग। देखिए अगर हम बात करें, सर ये एक लूप बन जाएगा, तो ये होगा आपका लूप नंबर 1। यहां पर बोल सकते हैं ये भी एक लूप बन सकता है, तो ये हो जाएगा लूप नंबर 2। अभी को सर बाहर
बाहर से मूव करें तो एक और लूप बन सकता है, दैट इज लूप नंबर 3। क्लियर है? तो हम पहले अगर इस लूप की बात करें, किसमें, मान लो लूप 1 की बात करें, तो हमने बात किया फॉर लूप 1। लूप 1 में हमें एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा जहां से हम चलेंगे, तो हम चले यहां पर एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, लेट दिस पॉइंट इज ए। हम ए से चलेंगे और लास्ट में वापस कहां आएंगे, ए पर वापस आ जाएंगे। क्लियर है ना? ए पर चलेंगे हम और लास्ट में कहां आ जाएंगे, वापस ए पर आ जाएंगे। तो चलते हैं ए से, ए पर, ए से चलते हैं। ए से जैसे हमने मूव करना स्टार्ट किया, देखिए जहां से स्टार्ट करेंगे पहले आप उसका क्या लिख देंगे, पोटेंशियल। यहां स्टार्ट किया, इसका पोटेंशियल लिखा, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। कब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा बोलिए? जब तक कोई सर्किट एलिमेंट ना आ जाए। कब तक पोटेंशियल चेंज नहीं करेंगे? जब तक कोई सर्किट एलिमेंट आ गया। यहां पे देखिए, यहां पे आया, हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, वीए 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 यहां पहुंचे, चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा बोलिए? अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलेंगे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ड्रॉप, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट चलता है, यहाँ ज्यादा था यहाँ कम हो गया, तो ड्रॉप होगा। तो क्या लिखाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस। तो कितना ड्रॉप होगा बोलिए यहाँ पर पोटेंशियल का, माइनस I1 R2। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि पोटेंशियल का क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां से बढ़ा, अभी भी देखिए, फिर कोई कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट, फिर एलिमेंट मिला, फिर पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, माइनस I1 R1, यहां ड्रॉप हुआ। फिर आगे बढ़े, आज जब देखिए, जब एक जो बड़ी लाइन होती है, देखिए हाई पोटेंशियल होता है, जो छोटी लाइन होती है लो पोटेंशियल बैटरी में, तो अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप, ड्रॉप होगा। तो क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहां देखिए, यहां से आएंगे ड्रॉप, कितने का ड्रॉप हुआ बोलिए, E1 का, फिर लगाएंगे माइनस E1। यहां आने के बाद फिर वापस हमें A पर पहुंचना है, फिर यहां से देखिए, फिर यहां से वापस आते हैं। अब बोलिए करंट तो ऊपर जा रहा है और हम नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल यहां पर ड्रॉप हो रहा है कि बढ़ रहा है, पोटेंशियल राइज कर रहा है, राइज करेगा तो फिर क्या लिखेंगे, प्लस। तो क्या लिखेंगे, प्लस I-I1 R3। फिर अल्टीमेटली पहुंचे कहां पर, ए पर, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, VA, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VA। अब बोले VA VA अगर हम काट दें तो देखिए, माइनस I1 R2 माइनस I1 R1 माइनस E1 प्लस I-I1 R3 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट और चार एलिमेंट, चारों एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस का सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0। यही तो होता है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, दिस इज कॉल्ड द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। जैसे हमने कहा इस लूप में बनाया तो हमने कहा लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम चाहें तो लूप 2 में ऐसा काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर लूप 2, लूप 2 में भी हम एक किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे। जैसे हमने कहा अगर हमें ए से मूव करके वापस ए पर ही आना है, चलिए फिर यहां पर वही काम करें, ए से मूव करके क्या करेंगे, वापस ए पर आएंगे। ए से मूव करें तो पोटेंशियल क्या लिखा बोलिए, वी ए। आगे बढ़िए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल का क्या करेंगे, ड्रॉप। कितना ड्रॉप होगा, माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आगे बढ़िए, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर ड्रॉप, माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहां का करंट, यहां का रेजिस्टेंस। आगे बढ़िए, अब देखिए, अच्छा बताइए, अब छोटी लाइन से बड़ी लाइन, माइनस से प्लस, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे आप बोलिए, प्लस E2 इज इक्वल टू VA, अगेन VA VA कैंसिल, तो हमें यहां से क्या मिलेगा बोलिए, माइनस I-I1 R3 माइनस I R4 प्लस E2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नारे हमने इस लूप में भी क्या लगाया, किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो अच्छा, किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाते समय हम लोग को ये बात एकदम ख्याल रखना है कि जितने भी सर्किट एलिमेंट होंगे एक लूप में, उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन सिर्फ कब, जब सर्किट क्या होगा, कंप्लीट लूप बनाएगा, तब पूरा एक क्लोज लूप बनेगा, तब। अगर लूप क्लोज नहीं होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस 0, तब पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 नहीं आएगा। क्या आएगा जानते, जहां से चलेंगे वो और जहां रुकेंगे वो पोटेंशियल आके छोड़ देंगे हम लोग।
बात क्लियर है सबको? जैसे अगर आप चाहते हैं कि सर पूरा लूप में चल के दिखाइए, एक और इक्वेशन बना के दिखाइए, तो पूरा लूप में भी हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। आप ए पॉइंट से स्टार्ट करिए, बाहर 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 मूव करके वापस ए पे आ जाइए, फिर इक्वेशन बन जाएगा। अगर बहुत जल्दी कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमने कहा चलो यहां से स्टार्ट करके वापस यहां लाएंगे हम लोग बाहर से, तो बाहर से अगर लाना चाहते हो तो पहले लिखा हमने वी ए, आगे बढ़ते जाइए, ऐसे भाई आगे बढ़िए। यहां पे क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होंगे तो माइनस करेंगे ना, तो माइनस आई वन आर टू, यहां देखिए फिर आगे बढ़ा, फिर माइनस माइनस आई वन आर वन, फिर देखिए प्लस से माइनस आएगा ड्रॉप हो जाएगा माइनस ई वन, फिर आगे बढ़ा फिर माइनस जाएगा माइनस आई आर फोर। अब यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद इसके बाद हम आगे बढ़े तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस ई टू, फिर कहां पहुंच गए, ए पर, इज इक्वल टू VA, फिर VA, VA कैंसिल, फिर देखिए इसका 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 सम इज इक्वल टू क्या आया, जीरो। तो यही यही जो ये जो हमने लिखा ना, बेसिकली यही किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है। और ध्यान रहे ये अगर कभी भी होता है कि सर ये कैसे डिराइव होते हैं, तो आंसर आता है कि ये कंसिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन से आते हैं ये सब चीज़ें। और एनर्जी कंजर्वेशन ऑब्वियस ही बात है, दुनिया का कोई भी इवेंट हो वहाँ पर एनर्जी हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, ऐसे यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्व होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई सबको क्लियर हो रहा है? अब हम इस पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं और उसमें किरचॉफ लगा के हम क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं ना। तो एक एग्जांपल करेंगे हम इस किरचॉफ लॉ पे, चलिए ध्यान दीजिए इस पर एक एग्जांपल करते हैं किरचॉफ लॉ पे। देखिए एग्जांपल है, इसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, देखिए किरचॉफ्स लॉ, ध्यान रखें किरचॉफ्स लॉ। जैसे कभी कभी बच्चा इस बात को कन्फ्यूजन में हमेशा रखता है अपने माइंड में कि किरचॉफ्स लॉ तभी लगेगा जब जब लूप क्या होगा, कंप्लीट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किरचॉफ्स लॉ भी हम कहीं से कहीं चलने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो जो स्टेटमेंट होता है एलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द सर्किट एलिमेंट्स इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू जीरो, वो स्टेटमेंट तब हम लगाते हैं जब सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है। वैसे हम कहीं से चल के कहीं भी रुक सकते हैं। जैसे एक ऐसे जनरल क्वेश्चन बहुत बार आईटी जेई में दो तीन बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है, एक बैटरी होता है, फिर यहां पर देखिए एक और रेजिस्टेंस है, फिर यहां पर हमने इसे क्या कर दिया, मान लेते हैं एक पॉइंट ले लिया, दैट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और हमने कहा कि इसमें एक करेंट चल रहा है 1 एम्पियर का, और यहां पर दे रखा है 10 वोल्ट और ये है 2 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1 इज इक्वल टू 1 ओम और यहां पर R2 इज इक्वल टू 2 ओम।